वेलकम बैक। देवबंद के मुल्लाओं ने अब एक नया फतवा जारी करके मुसलमानों को बर्थडे सेलिब्रेट करने से मना किया है, और इसके बाद से देवबंद को मानने वाले मुसलमान बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। देखा आपने। और देवबंद की इस बर्थडे ना मानने की अपील पर मुंबई के पॉलिटिशियंस, जिनके जन्मदिन शुभेच्छा बैनर हर सिग्नल पर धूप में सूखते कच्छों की तरह लटकते रहते हैं, भाई भाई मुंबई के पॉलिटिशियंस, उन्होंने बर्थडे ना मानने की अपील पर कहा अच्छा था, चलो आगे बढ़ो, चलो। अन्ना हजारे ने फिर से ब्लॉगिंग शुरू कर दी। आई थिंक वो कंफ्यूज हो गए, ही वांटेड टू स्टार्ट द फ्लॉगिंग वंस अगेन, लेकिन अब इस उम्र में फ्लॉगिंग बोलने गए होंगे, ब्लॉगिंग मुझे करना है, फ्लॉगिंग। अरविंद केजरीवाल ने समझ लिया होगा, हाँ ब्लॉगिंग, हाँ अब आया अन्ना को ब्लॉगिंग करवाओ, कंप्यूटर के पास ले जाओ। स्वामी अग्निवेश भी इस बार बिग बॉस में आए। I think that calls for a new acronym altogether. What LOL? WTF LOL? और जैसा कि ट्विटर पे ग्रेट बॉन्ग ने कहा, स्वामी अग्निवेश उतने ही स्वामी हैं जितनी ओल्ड मॉन्क है। टीवी पर हाल ही में तारा शर्मा शो शुरू हुआ, और इस शो का इकलौता मकसद ये बताना है कि तारा शर्मा अब भी करने में लगी है कोशिश। फूलपुर में हुई राहुल बाबा की एक रैली में एक प्रोटेस्टर ने आकर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। आई गेस उसे दोपहर के खाने में पूरी सब्जी कम मिली होगी। तो ज्यादा मजेदार चीज इसके बाद हुई जब इस नारेबाज को कांग्रेस के युवा नेता प्रमोद तिवारी और जितेंद्र प्रसाद ने दौड़ाला, हाँ पीटा उसे। दैट्स अ रैली, जो अपनी साइड ना हो उसे वहीं पीट डालो। कम से कम रैली में तो 100% पॉजिटिव मूड रहे। और मुझे लगता है कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी के सामने थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहते हैं, थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव, जैसे माँ बाप बच्चों को लेकर होते हैं ना, या बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को लेकर, या सिंगल लोग अपने कुत्तों बिल्लियों को लेकर होते हैं। हाल ही में टीम अन्ना ने एक जेल भरो आंदोलन का नारा दिया, और जेल में रहने वाले कैदियों ने कहा हमें भी छोड़ दो प्लीज, hey, हम अन्ना के लोगों के साथ वापस आ जाएंगे, 100% प्रॉमिस। इस जेल भरो आंदोलन की खास बात थी कि इसमें जेल जाने के इच्छुकों को कहा गया कि ऑनलाइन रजिस्टर कर, जेल जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बनाए गए, मतलब कि इफ यू कांट फिल द कैप्चा कोड यू विल नॉट बी कैप्चा। पर मुझे इस पूरी कैंपेन में एक बात समझ नहीं आई कि जेल भरो में बंदे जेल कैसे भरेंगे। आई मीन क्या मैं पुलिस के पास जाके कह दूंगा कि भाई मुझे जेल ले चलो, और वो ले जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है। और मुझे टीम अन्ना का ये जेल भरो ऑब्सेशन भी समझ नहीं आया। आई मीन कलमाड़ी और ए राजा तो जेल ही भर रहे हैं ना, तो क्या वो भी करप्शन के खिलाफ है? आई थिंक जेल भरो साउंड्स टू 1942 है ना, और मे बी अन्ना थिंक्स कि वी आर स्टिल अंडर द ब्रिटिश राज, मे बी थिंक शांति भूषण एंड प्रशांत भूषण आर मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू एंड किरण बेदी इज इंदिरा, सेम शॉर्ट हेयर एंड डिक्टेटोरियल स्टाइल में। अच्छा ये सुनिए, लाइफ ओके नाम का नया चैनल शुरू हुआ। Not life good or life exciting or life wonderful, just life okay. मतलब जनता को पहली बता दिया गया कि ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ओके? अच्छा मजे की बात यह कि लाइफ ओके एक्चुअली स्टार वन का ही नया नाम। इट्स लाइक कैसे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिन पे बैन लग गया हो,
थोड़े दिनों बाद किसी नए नाम से वापस आ जाते हैं, जैसे हरकतुल अंसार बैन होने के बाद हरकतुल मुजाहिदीन के नाम से। वैसे ही आजकल टीवी चैनल हो गए, स्टार वन देखना बंद कर दिया दुनिया ने, तो लाइफ ओके ले आए। बट इडियट्स बुलशिटिंग विल गेट यू नो लाइफ विल नॉट बी ओके। और बाकी अभी इस साल का एक सच्चा भविष्य फल और कुछ और मसालेदार खबरें, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।